पहले भी गरिया है, टोटी मोक देंगे, फिर पहले पलटू चाचा बोले, फिर पूरा गरिया है, फिर आ गए। दोनों का कोई आपस का कैरेक्टर नहीं है। राजनीति का गंदगी इस देश में हमारे जैसे लोगों को, अब इनके पिताजी चले जाते हैं एक माफिया के यहाँ आरा में, नीतीश बाबू को लेके कोई एक मंत्री चले जाते हैं बाढ़ में, यार इसी से ना नौजवानों का मन बढ़ता है कि हम लोग भी अपराधी माफिया बने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर आज सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। इस बयान के बाद बवाल होना तय है। न केवल तेजस्वी यादव के कैरेक्टर पर पप्पू यादव ने सवाल उठाया, बल्कि उन्हें लुटेरा तक कह डाला। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आई तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। जिसके बाद आज जब पप्पू यादव से इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई, तब तेजस्वी यादव पर जबरदस्त निशाना साधते नजर आए पप्पू यादव और यहां तक कह दिया कि जब ये खुद सरकार में थे तब सारे मलाईदार विभाग इन्हीं के पास थे, लेकिन किसी में भी उन्होंने काम नहीं किया। दूसरों पर जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद जब सरकार में थे तब खुद भी केवल लूटने का ही काम किया था। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। कहा था कि उनके पास वीडियो है कि नीतीश कुमार खुद ही उनके पास, लालू यादव के पास सरकार बनाने की बात करने आए थे, जिसको लेकर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के कैरेक्टर पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है, उनका ये बयान सुने। नरेंद्र भाई मोदी जी जब दूसरे देश में इंटरफेरेंस करते हैं, जाते हैं वो ट्रंप के लिए, आप यूक्रेन और रूस के मामले में आप यूक्रेन जाते हैं, बांग्लादेश के इंटरनल मामले में आप उनके राष्ट्रपति जी को यहाँ रखते हैं, और हमारी सारी पॉलिसी का बीजेपी क्या बोल, देखिए बीजेपी की जो पॉलिसी है उनका एक ही पॉलिसी है, नेहरू इंदिरा राहुल इनको गरियाते रहो, जबकि राजनीति में सच्चाई ये नहीं है गाली देते रहना। राहुल गांधी कितना करोगे भैया, कितना गरिया। उन्होंने सही कहा, 200 से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ 200 से ज़्यादा सीट नहीं है। उन्होंने सही कहा, जो आप हालात हैं चुनाव आयोग के जो हालात हैं, भैया आप एक बात बताओ, महाराष्ट्र का चुनाव किसके साथ होता है, हरियाणा के साथ, क्यों टाल दिए? प्रियंका गांधी जी का चुनाव 4 महीने से मैं करा लेना चाहिए था कि नहीं? अभी तक आप नोटिफिकेशन नहीं निकाले, अब वायनाड का चुनाव नहीं कराए, और 12-13 बाय इलेक्शन नहीं आपने होने दिया। मणिपुर की स्थिति आप देख ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं। भैया आप जो बात कर रहे हैं तो आप खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपने घर में इनको इंटरनल झगड़ा है, अब बनाव हो नहीं रहा है, शीशे के घर में रह के कब तक पत्थर मारेंगे? राहुल गांधी जी ने तो कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं, कुछ चीज़ों पर उन्होंने कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं, विचारधारा की लड़ाई, हमारे आरएसएस और मेरी विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। और उन्होंने आरक्षण के सवाल पर भी कहा कि भैया आरक्षण की ज़रूरत जब तक समाज में जो ST SC हैं, EBC के लोग हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी आर्थिक सामाजिक, उनके रोजगार की स्थिति डेवलप नहीं होती है, तब तक आरक्षण को अभी खत्म करने जैसी चीज़ों को तो बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो BJP की पॉलिसी है उसमें तो उस हिंदू मुसलमान गठबंधन, जाति धर्म या क्षेत्रीय पार्टी की जो स्थिति है वो भी यही हाल है। तो इसीलिए जो लोग इस तरह की बात राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, उनको मैं इतना कहूँगा कि गिरेवान में झांकिए, और आपको देश की जनता ने चाहे झूठ या सही एक पद दिया है, आप काम कीजिए, रोजगार के लिए आप काम कीजिए, पीस के लिए,
आप काम कीजिए कंप्लीट फार्मर के लिए, आप काम कीजिए बेटियों माँ की सुरक्षा के लिए, इस मुद्दों पर आप बात करते नहीं हैं, आप इसको समझिए। तो बात किस मुद्दे पर करते हैं? मेरी गहरी चिंता यहाँ, तो मुद्दों पर बात है नहीं या गाली देते रहना, तो हर दिन, तो इसका मतलब राहुल गांधी जी का बहुत डर है, खौफ है। और सही कहा राहुल गांधी जी, भारत की जनता ने इस बार नरेंद्र मोदी जी के गलत नीतियों के खिलाफ डर निकाल दिया, तो सही कहा उन्होंने। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए हैं सर, भैया अब हम ही कोई नो ठिका लिए हैं, कोई ठिका हम ही सबका प्रवक्ता है। वादा किया है सर 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे सरकार ने। भैया एक बात सुनिए, पहले कौन वादा कौन कर रहे थे ना वो साथ में, और सब विभाग तेजस्वी जी के पास था ना, और सब विभाग का क्या हुआ, मेडिकल का एक को दवाई मिला कहीं, एजुकेशन भी था वो भी खत्म हो गया, और 15 साल पहले भी थे तो पहले ही दे देते 200 यूनिट बिजली जब सरकार थी, और जब डबल इंजन की सरकार थी तब दे देते। ये आप क्या समझते हैं बिहार की जनता को मूर्ख, 2 साल आप खनन आफी के पास था, नगर निगम में नर्क निगम बना दिया, सब जो आता है नगर निगम की स्थिति देखिए क्या थी। तो जो लोग सरकार में जब थे और आपकी पॉलिसी थी तो आप 5 विभाग नहीं लेते तेजस्वी जी, और आप कहते पहले जनता का वादा पूरा करिए 200 यूनिट बिजली दीजिए तब सपोर्ट करेंगे, आप मुद्दों पर आते। दोनों बार 17-17 महीना आप रहे तो आप पर आरोप लग गया 2000 करोड़ का कमाने का, लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, तो काहे लिए मलाईदार आप नहीं लेते, मलाईदार विभाग नहीं लेते। और चुनाव के समय इन लोग अभी कहते हैं हमारे पास टेप है, इतनी छोटी हरकत देश के नेता नहीं करते, यदि टेप भी हो तो चाचा बाप कहने के बाद यह कहना, इसका मतलब है कि आप किसी को भी आप रिश्ते को और विश्वास को ख़त्म करते हैं। आप कोई आपका घर जाता है तो आप टेप करते हैं, बाढ़ टेप करते हैं, एक नेता का ये कैरेक्टर तो है नहीं टेप करने का या वीडियो बनाने का, ये तो बार्गेनिंग है। और ये कहना टेप करते हैं और हमने माफ़ कर दिया, तो हम उनसे पूछेंगे एक बात आप बताइए, काहे ला दो बार बने, काहे ला दो बार आपने 5 मलाईदार विभाग लिए, आप 2000 करोड़ का आरोप लगा आप पर, अगले बार में पहले भी गरिया है टोटी मोक देंगे, फिर पहले पलटू चाचा बोले, फिर पूरा गरिया है, फिर आ गए, दोनों का कोई आपस का कैरेक्टर नहीं है। राजनीति का गंदगी इस देश में हमारे जैसे लोगों को, अब इनके पिताजी चले जाते हैं एक माफिया के यहाँ आरा में, नीतीश बाबू को लेके कोई एक मंत्री चले जाते हैं बाढ़ में, या तो इसी से ना नौजवानों का मन बढ़ता है कि हम लोग भी अपराधी माफिया बने। नौजवान लोग अच्छा क्यों नहीं बनना चाह रहे बिहार में, जिसके भीतर दम नहीं है, या एक तो जो महात्मा गांधी आए हुए हैं वो सब माफिया को जुटा रहा है, जो राजद और एनडीए में नहीं रहेगा माफिया अपराधी लोग वो चले जाएंगे तीसरे जगह। तो इसीलिए जो बात वो कर रहे हैं कि मेरे पास वीडियो है मेरे पास ये है, तो उनको किसने रोका था 5 विभाग में काम करने से, PWD का क्या हुआ, RWD का क्या हुआ, उनके रीजन में कोई एक पुल बनी, मेट्रो का क्या हुआ, एक शहर वो मेट्रो ले पाए, आपने एक मेट्रो का सिग्नेचर किया, भागलपुर का मेट्रो क्या हुआ, मुजफ्फरपुर का मेट्रो क्या हुआ, पूर्णिया का मेट्रो क्या हुआ, गया का मेट्रो क्या हुआ, आप किए, आप दोनों मिलके करते, तो आपने ना मेट्रो का किया ना आपने बाढ़ का किया ना एजुकेशन में आपने कुछ कर पाया, आपको पाठक लूटता रहा, पाठक कम लुटेरा थोड़ी है, उसने भी लूटा, पाठक खुद लूटा, किसी को लूटने नहीं दिया, खाने नहीं दिया। तो भैया सबको अधिकार है घूमने का जाने का, लेकिन 5 बार झूठ तो बोलिए लिए ना हो, अब कितना झूठ बोलिएगा। अब दोनों आदमी से लोग उब चुके हैं ये मैं इतना जानता हूं।
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीते 2 सालों से लगातार पदयात्रा पर हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अब उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं और उन पर भी आज पप्पू यादव ने जबरदस्त निशाना साधते हुए उन्हें माफिया तक कह डाला। कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से जो लोग परेशान हैं वो उस माफिया के साथ मिल जाएंगे जो खुद को महात्मा गांधी बताते हैं, इसीलिए बिहार का जो युवा है वो माफिया बनना चाहता है, डॉन बनना चाहता है, क्योंकि बिहार के नेता ही खुद ही माफिया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव जबरदस्त निशाना साध रहे थे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के वीडियो की जो बात कही थी उसको लेकर तेजस्वी यादव के कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े कर दिए, यहाँ तक कह डाला कि अगर कोई आपके घर आता है आप उन्हें चाचा कहते हैं तो उसका वीडियो बनाना ये नेता का सही कैरेक्टर नहीं है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, उस पर भी किस तरीके से तेजस्वी यादव को लपेटा है पप्पू यादव ने ये भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।